हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न न्यू पोएम ऑफ सेवेंथ क्लास, स्लीप बेबी स्लीप। सो जा बच्चे सो जा। तो ये जो पोएम है ये एक ट्रेडिशनल ललबाय है। और एक माँ ने अपने छोटे से बच्चे को, छोटे से बेबी को सुलाते समय जो गाया हुआ गीत होता है, हम मराठी में उसको अंगाई गीत बोलते हैं, है ना, और हिंदी में लोरी बोलते हैं। तो एक लोरी है, स्लीप बेबी स्लीप। आई थिंक ये जो माँ है या उसके जो हस्बैंड है, पति है, वो शीप चराने का काम करते हैं, मेंढिया चराने का काम करते हैं, और इस माँ का जो सारा विश्व है वो उसका पति, उसकी भेड़ बकरियाँ, वो भेड़ बकरियों के पीछे जाने वाले कुत्ते, तो ये सारा उसका ही संसार है। और उस पे ही ये गीत, ये जो ललबाय है, ये जो लोरी है, ये बनाई है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम स्लीप बेबी स्लीप। Your father herds his sheep, your mother shakes the little tree, from which fall pretty dreams on thee, sleep baby sleep। तो ये माँ अपने छोटे बच्चे को कह रही है कि सो जा बच्चे सो जा बेबी सो जा, तेरे जो पिता हैं बकरियाँ चराने का काम करते हैं, वो बकरियाँ चराने गए हैं, और तेरी माँ जो हूँ एक छोटा सा पेड़ हिलाकर तुझ पे एक सुंदर सपनों की बारिश करने वाली है, फिर तुझको अच्छे अच्छे ड्रीम्स आएंगे, तो तू क्या कर, जल्दी से सो जा। तो ये जो फर्स्ट आंजा में जो भी वर्ड्स या पूरे पोएम में जो भी वर्ड्स, जो भी स्टांजाज लिए हैं, वो सब रिलेटेड टू द शीप्स, ओके, क्योंकि उनका प्रोफेशन ही, मुझको लगता है कि उनका प्रोफेशन ही बकरियां चराना, भेड़े चराना है। तो इसी वास्ते सारे पोएम में शीप का जिक्र है। सेकेंड स्टांजा, स्लीप बेबी स्लीप, द हेवंस आर व्हाइट विद शीप, फॉर दे आर लैम्प्स द स्टार्स सो ब्राइट, एंड द मून शेफर्ड ऑफ द नाइट, स्लीप बेबी स्लीप। सो जा बेबी सो जा, ये जो व्हाइट कलर की जो शीप्स है, तो ये जो सारा आसमान जो दिख रहा है उसमें जो भी क्लाउड्स है ना, तो शीप्स का भी जो शेप होता है और क्लाउड्स का भी शेप होता है, तो उसने कंपेयर किया है शीप्स को क्लाउड के साथ। वो बोल रही है ये जो वाइट कलर की जो शीप्स है वो एक हेवन के जैसा दिख रहा है, स्वर्ग के जैसा दिख रहा है, और उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं शीप्स के, तो वो कौन है, वो जो स्टार चमकते हैं ना आकाश में, तो वो लैम्स हैं, उस शीप्स के बच्चे हैं।
एंड द मून शेफर्ड ऑफ द नाइट, और इनका जो उनको चराने का जो काम करता है वो है मून, एंड द मून शेफर्ड ऑफ द नाइट, और उस रात का कौन है शेफर्ड यानी मेंढपाल कौन है, मून है, तो तू बच्चे क्या कर सो जा। स्लीप बेबी स्लीप एंड आई विल गिव दी अ शीप विच विथ इट्स गोल्डन बेल शैल बी अ लिटल प्ले फेलो फॉर दी। स्लीप बेबी स्लीप, सो जा बेबी सो जा, तू अगर सो गया तो मैं तुझको एक शीप दूंगी, है ना, ऐसी बड़ी सी मतलब ज़्यादा वुल वाली शीप दूंगी, और उसके गले में एक कैसी गोल्डन बेल होगी, सुवर्ण घंटा होगी, और फिर तू उसके संग खेल, तो तू क्या कर अब सो जा। देखो माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए ये जो लोरी गा रही है, तो इस लोरी में माँ क्या कह रही है बच्चे को कि मैं तुझको एक शिप दूंगी जिसके गले में सोने की घंटी होगी, और फिर तू उसके संग खेल। स्लीप बेबी स्लीप एंड ब्लीट नॉट लाइक अ शीप और इल्स द शेफर्ड्स एंग्री डॉग विल कम एंड बाइट माय नॉटी रॉग। स्लीप बेबी स्लीप, सो जा बच्चे सो जा, जैसे हम बोलते हैं ना बाग आ जाएगा, सो जा बच्चे डॉगी आ जाएगा, तो ऐसे वो माँ बोल रही है स्लीप बेबी स्लीप एंड ब्लीट नॉट लाइक अ शीप, शीप के जैसे मैं मत कर, रो मत, नहीं तो वो जो बकरियाँ चरने वाला शेफर्ड है ना, मेंढपाल है ना, उसका एंग्री डॉग आ जाएगा और तुझको काटेगा, तू क्या कर सो जा। नाउ द लास्ट स्टांजा, स्लीप बेबी स्लीप गो आउट एंड हर्ट द शीप, गो आउट योर बार्किंग ब्लैक डॉग गो एंड वेकन नॉट माय बेबी सो। स्लीप बेबी स्लीप, तो जैसे हम मराठी में बोलते हैं ना हाड़ हाड़ कुत्रिया, है ना, हे जा 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 हम चौबाल झोपाए लले, वैसे ही ये माँ बोल रही है कुत्ते, ये जो कुत्ता है जो हर्ड के पीछे जाता है ना, उसको बोल रही है तू जा हर्ड के पास जा, शीप्स के पास जा, गो आउट यू बार्किंग ब्लैक डॉग, हे काले कुत्ते तू भौंकते हुए इधर मत आ, मेरा बच्चा सो रहा है, तू शीप्स के पास जा, वेकन नॉट माई बेबी सो, मेरे बच्चे को नींद आ रही है तू उसको डिस्टर्ब मत कर। स्लीप बेबी स्लीप, एनोनिमस नाम के जो ये पोएट है, तो इन्होंने ये स्लीप बेबी स्लीप ये लोरी लिखी है, बहुत अच्छी पोएम है। तो इसके साथ आज की यह हमारी स्लीप बेबी स्लीप पोएम ख़त्म हुई, कल हम इसके वर्कशॉप देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।